है ये आज का शूट जी। गुड आफ्टरनून ऑल मीडिया, और टुडे वी आर इन ऑलरेडी द निश इंटरनेशनल फैशन मैगजीन। इसका हमारा एक फोटोशूट हम लोग बॉम्बे में पहली बार कर रहा हूँ। इसका थीम क्या है, हमारा जो मकसद क्या है, ये मैं आपको बताता हूँ। ये जो मॉडल शूट हम लोग को रखा है, इसका जो न्यू कमर जो मॉडल्स है, उसका एक नया अपॉर्चुनिटी के लिए हम लोगों ने ये प्लान किया है। दिस मैगजीन इज़ अ इंटरनेशनल मैगजीन। वी आर ऑलरेडी एसोसिएट विद द इजिप्ट निश मैगजीन, इसलिए हम लोग ये मैगजीन का नाम निश इंटरनेशनल फैशन अरीना, ये नाम है एक्चुअली। और इसमें अभी हमारा एक्चुअली जो मैगजीन का जो डिजाइनिंग जो पार्ट है, चीफ एडिटर वगैरह, दिस इज ऑलरेडी सिटिंग द पूना द साइरस ऑलरेडी, और ही इज़ ऑलरेडी द मैगजीन का डिजाइनिंग एंड ऑलरेडी एडिटिंग एवरीथिंग ही इज़ मैनेजिंग। और I am in magazine in the international pageant director. I am a Dr. Anil Nayar. I am in working also in already diplomat mission in global peace. I am in peace ambassador in India. Our amara so many activities hai in already this structure ko leke hum log ye jo newcomer models ko hum log ek opportunity isliye dena chahta hu, ये हमारा एक वुमन एम्पावर की तरफ है, ये जो मिशन को लेके हम लोग काम कर रहे हैं, इसलिए हम लोग ये फोटोशूट इसमें रखा है। इसमें हम लोग जो भी मॉडल्स अभी पार्टिसिपेशन किया है, इनका जो एक पोर्टफोलियो हम लोग अलग से बना के देंगे, और उनको जो फोटोज है, जो भी फोटोज है, हम लोग मैगजीन में आर्टिकल में वो डाल देंगे। ये सब हमारा फ्यूचर का मकसद है। और हम लोग ने इन फ्यूचर में दिस मॉडल्स को, जो मॉडल्स अभी जो फोटोशूट में पार्टिसिपेशन कर रहे हैं, इनको हम लोग हमारा जो कनेक्टिविटी में सो मेनी इंडस्ट्रीज है, जो फिल्म इंडस्ट्रीज है साउथ का, नॉर्थ का, और जो एड एजेंसीज है, हमारा ओन एड एजेंसी ऑलरेडी है एन कंसल्टेंसी इंडिया, तो और भी हमारा ऑलरेडी सुभाष जी का भी है, और कई लोग हमारा साथ कनेक्टेड है, तो इन लोगों ये जो इनको भी हम लोग इसमें इन्वॉल्व करेंगे। ये सब हमारा फ्यूचर का बेनिफिट्स इन लोगों को मिल जाएगा, जो भी मॉडल्स इसमें पार्टिसिपेशन हो रहे हैं, इनको ये तीन चार बेनिफिट्स हम लोग देंगे, फिल्म इंडस्ट्री में और सीरियल इंडस्ट्री में और जो चैनल्स में जो भी ये हो रहा है उसमें, और जो फैशन इंडस्ट्री का दूसरा जो हमारा जो फैशन शो होता है, इवेंट्स होता है हर साल, हमारा दो तीन इवेंट्स होते हैं। एक हमारा एक इवेंट है FMBF, दिस इज ए फिल्म मीडिया बिजनेस एंड अकेडमी फैशन अवार्ड्स होता है, हर साल होता है दिस अवार्ड, दिस ग्लोबल एक्सलेंस अवार्ड होता है। ये हम लोग अभी दो साल से कंटिन्यूस कर रहे हो, पिछले साल भी किया, ये साल भी किया, और हमारा हर साल अभी एक हम लोग ने हमारा जो इंटरनेशनल जो मानवाधिकार डे यूनाइटेड नेशन को, उसको हम लोग पार्टिसिपेट करते हैं हर साल, पिछले साल भी किया, ये साल भी अभी हम लोग ने December 10 को दिस मानवाधिकार डे को, जो इंटरनेशनल वुमन डे को, हम लोग ने नवी मुंबई में सिडको एक्सिबिशन सेंटर में इसको रखा है, एक इवेंट रखा है। इसमें हम लोग ने हमारा बाहर से डेलीगेट्स आते हैं, कई लोग हम लोग जो सोशल कोस्ट में अभी फंडामेंटल राइट्स को लेके और जो काम करते हैं उसको हम लोग प्रमोशन के साथ डॉक्टरेट देते हैं, तो कई लोग हम लोग ने डॉक्टरेट दिया है, कम से कम अभी पिछले साल, अभी ये साल में भी हम लोग ने कम से कम 50 लोगों को डॉक्टरेट दिया है, कई अलग अलग कैटेगरी में जो लोग काम कर रहे हैं सोशल कोस्ट के साथ, जो कलाकार है और सोशल सर्विस करते हैं समाज के लिए, इनको हम लोग प्रमोशन करते हैं। और हमारा जो ऐसा जो टीम है, कम से कम 20-25 स्टेटों में हमारा जो टीम ऑलरेडी मिशन को लेके, डिप्लोमेट मिशन को लेके काम करते हैं, जो हमारा एम्बेसडर होता है, जो पीस एम्बेसडर काम कर रहा है, उसमें कई लोग कनेक्टेड है, तो ये लेवल पे हमारा एक्टिविटी चलता है, दिस इज आवर मिशन, ठीक है ना। तो ये इसका एक छोटा सा एक प्रमोशन के लिए हम लोग ने अभी ये जस्ट मैगजीन का एक फोटोशूट रखा। इसमें इसका एक मकसद ऐसा है, जो फैशन इंडस्ट्री को एक अलग नज़रिए से पहले देखता था पब्लिक, अभी हम लोग उसको चेंजेस करने का सोच रहा हूँ, क्यों मालूम है, दिस इज़ ए वुमन को एक एम्पावर की तरफ है, उनको एक करियर मिलता है, एक आइडेंटिटी मिलता है, और उनको अपने आप खड़ा रहने के लिए एक ये ताकत मिलती है इसमें, तो ये लेवल पर हम लोग उसको प्रमोशन कर रहा हूँ, ये हमारा मकसद है, ये हिसाब से हम लोग उसके लिए काम कर रहा हूँ। तो ये हमारा आज का ये जो फोटोशूट का, और जो अभी आप लोग जो मीडिया को आया, तो आप लोगों सबको मैं हृदय से धन्यवाद करता हूँ, आप लोग सब आया हमारे लिए पार्टिसिपेशन किया, तो आने वाले टाइम में भी हम लोग December 10 के लिए भी हमारा इवेंट्स में भी आप लोगों को हम लोग आमंत्रित करेंगे, हमारा इन्विटेशन आएंगे। और December 30 को हम लोग ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस
जो आने वाले इवेंट्स को रिलेटेड हमारा जो भी गेस्ट आने वाला है उसका रिलेटेड जो डेलीगेट्स आने वाले क्या क्या है उसका रिलेटेड एक प्लान हम लोग अभी दिसंबर 30 को सॉरी दिस नवंबर 30 को हम लोग नवी मुंबई में रखने का भी प्लान कर रहे हैं। तो ये चीज़ आपको बाद में इसका ब्रीफ हो जाएगा इससे और अभी का जो डिटेल है इसका, ठीक है ना। आगे मैं अभी सुभाषी हमारे साथ है, आशीष है और बाकी लोग अभी आने वाले हैं, तो आप आपको आगे का ब्रीफ करेंगे, ठीक है। थैंक यू, गुड इवनिंग ऑल मीडिया। एक्चुअली हमारी जो कंपनी है फ्लैश एडवर्टाइजिंग वो रिच के साथ अटैच हुई है और जैसे कि अनिल सर ने बताया कि इट्स अ ग्लोबल इट्स अ प्लेटफॉर्म वेयर हम लोग जितने भी एस्पायरिंग मॉडल्स होंगे फीमेल और जितने भी इट इज़ नॉट ओनली मॉडल्स उनको हम लोग एक लॉन्चिंग पैड की तरह से देंगे। वी विल ट्राई टू गिव देम ऑल पॉसिबल कवरेज स्पेशली जैसे बताया वुमेन एम्पावरमेंट के लिए। सो वॉट वी वॉन्ट टू डू इज वी वॉन्ट टू शोकेस देयर स्किल्स, वी विल गिव देम द पाथ, उनको एक सही दिशा दिखाएंगे जहाँ से उनको उनका करियर का लॉन्चिंग पैड मिल सकता है। हम उनको मतलब जितने तरीके से हेल्प कर सके भैया को उनको असाइनमेंट्स दिलाना, उनको कहीं राइट गाइडेंस दिलाना, वो सब चीज़ के लिए हम उनको हेल्प करेंगे। तो ये मैगजीन को हम लोग एज अ मीडिया एसोसिएट या मीडिया पार्टनर पूरा हेल्प कर रहे हैं ताकि ये मैगजीन अच्छे से चले, लोगों का फायदा हो, एस्पायरिंग मॉडल्स का फायदा हो, बस हमारा वही इंटेंशन है इसका। आशीष आप क्या कहना चाहेंगे, कैसे कोलैबोरेशन है आपका? सर ये फ्रेशर्स के लिए काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो फैशन इंडस्ट्री में करियर करना चाहते हैं, तो हम लोग चाहते हो हम उससे जुड़ जाए और हम लोग उन तक पहुँचे। और जैसे सर ने बोला कि हमको महिला के लिए अधिकतर से चांस देना मौका देना है जहाँ पे वो लोग अपने आप को पोर्ट्रेट करें और आगे करें, इसमें करियर की अपॉर्चुनिटीज मिलेगी उनको और हम लोग उसके लिए पूरा सपोर्ट करने के लिए रेडी है। अनिल जी आखिरी सवाल चलते चलते ये भी जानना चाहेंगे आपसे कि क्या इनको फ्यूचर में भी किसी प्रकार से आप प्रमोट करने वाले हो, फिल्म हो, वेब सीरीज हो, वीडियो हो, इस तरीके का कोई प्लान है आपका इनको प्रमोट करने के लिए, प्रमोशन देने के लिए? ऑफकोर्स एक्चुअली हम लोग का जो फ्यूचर प्लान है दिस स्ट्रैटेजी इज वेरी वेरी क्लियर, वी आर ऑलरेडी प्लानिंग टू द ग्राउंड लेवल में हम लोग इसको प्लान किया है, स्ट्रैटेजी को हम लोग इम्प्लीमेंट करने वाले इन फ्यूचर का, दिस अ वेरी क्लियर पिक्चर हम लोग इसको पूरा डिजाइन किया है, दैट पोर्टफोलियो ऑलरेडी बना है। तो इसमें क्या जो भी मॉडल्स हमारे साथ पार्टिसिपेशन हो रहे हैं इसको हम लोग क्या है हमारा फ्यूचर में उनको मैगजीन में हम लोग एक अलग से एक आर्टिकल दे देंगे उनका, और उनको फ्यूचर में जो भी मॉडल्स हमारे साथ अभी इसमें पार्टिसिपेशन हो रहे हैं उनको हम लोग फिल्म इंडस्ट्री के लिए हम लोग एक अपॉर्चुनिटी निकालेंगे। और दूसरा जो फैशन शोज हो रहा है उसके भी हम लोग जो कॉर्पोरेट सेक्टर का जो फैशन शो हो रहा है उसके साथ हम लोग टाइप किया है कई लोगों कई कंपनी के साथ, उसमें भी हम लोग अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं। फिर जो एड एजेंसी जो चल रहे जो ज्वेलरीज है बिल्डर्स है प्रमोशंस के लिए कई अभी छोटा मोटा बिजनेस अभी आपको समझा रहा हूँ मेक इन इंडिया के अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मेक इन इंडिया अंदर मोदी जी ने अभी एक प्लेटफॉर्म किया है द स्किल इंडिया। तो ये छोटा जो बिजनेस लोग है जो नए प्रोडक्ट को लेके मार्केट में आ रहा है कोई भी छोटा प्रोडक्ट को उसको प्रमोशन करना है तो ये लेवल पे उनको हम लोग ने अपॉर्चुनिटी देने का प्लान हमारा है। तो ये हमारा स्ट्रक्चर्स है और भी कई चीज़ है। तो हम लोग अभी वीडियोस जो एल्बम्स बनाने वाला जो वीडियो एल्बम्स कई सेमिनार्स हमारा जो कई क्लबों लेके हमारा जो मिशन का सेमिनार्स होता है तो उसका रिलेटेड अवेयरनेस के लिए साइकोलॉजिस्ट है कई साइबर रिलेटेड इशूज़ है इन लोग को लेके हम लोग अवेयरनेस का प्रोग्राम करते हैं। तो इसमें सब है ना एक ये स्ट्रक्चर में भी उनको इन्वॉल्व करने वाले हैं। तो ये अलग अलग हम लोग को जो सी है जो वीडियोस बनाना है अभी समाज में ऐसा हो रहा है अभी ड्रग्स का रिलेटेड आप सोचेंगे ड्रग्स से रिलेटेड अभी बहुत सारा अवेयरनेस स्कूल का बच्चा लोगों को चाहिए तो ये सब एक सी हम लोग शॉर्ट फिल्म्स बोलते हैं उसको ये बनाने का प्लान है उसको इसमें हम लोग ये लोग को मौका देने का हमारा एक प्लान है। तो ये शॉर्ट फिल्म बनाएंगे शॉर्ट कॉमेडी इसको डॉक्यूमेंट्रीज बोलते हैं हम लोग एक्चुअली वो डॉक्यूमेंट्रीज हम लोग बनाएंगे तो डॉक्यूमेंट्री में ये जो आर्टिस्ट है जो कलाकार है इनको हम लोग पार्टिसिपेशन करेंगे और उसका स्टोरी अलग अलग सब्जेक्ट को लेकेगा अभी उसमें साइबर रिलेटेड इशू होगा ड्रग्स का रिलेटेड होगा स्कूल का बच्चा लोगों और जो सेफ्टी अवेयरनेस को लेकर डिपार्टमेंट जो पुलिस डिपार्टमेंट गए ऐसी कई लोगों को अवेयरनेस देना है तो ये सब सब्जेक्ट के ऊपर हम लोग वर्क कर रहे हैं। और ऐसी कई सब्जेक्ट अभी चाइल्ड राइट्स का बहुत सारा इशूज है और जो कंज्यूमर राइट का इशूज है कंज्यूमर राइट के बारे में भी पब्लिक को अवेयरनेस नहीं है तो ये अवेयरनेस के लिए हम लोग छोटा डॉक्यूमेंट्रीज बना के उसको इंप्लीमेंट करने वाले हैं। ऐसे एनिमल राइट्स के बारे में भी है तो ये सब इशू के बारे में हम लोग डॉक्यूमेंट्री बना के उसको वीडियो क्लिप बना के हम लोग इन फ्यूचर में फ्लैश करना को तो वो सब में ये कलाकारों को ये जो पार्टिसिपेशन हो रहा है हमारे साथ जो भी मिशन काम कर रहे हैं 20-25 स्टेटों में हमारे लोग काम कर रहे हैं तो उसको हम लोग इसमें इन्वॉल्व करने वाले ये हमारा छोटा सा शुरुआत है फिर फ्यूचर हम लोग इसको आगे बढ़ाएंगे ये हमारा मकसद है ठीक है ना। ओके लास्टली सर आर यू फॉर द
ऐसा देखो अभी ऐसा जो मकसद है ऐसा जो कई सेलिब्रिटीज लोग हम लोग ने ऑनर किया है, हमारा एम्बेसडर्स भी है कई लोग ऑलरेडी, तो वो लोग हम लोग अभी इन फ्यूचर में हम लोग उसको हम लोग इन्वॉल्व करेंगे, जो ऑलरेडी सेलिब्रिटीज का जो ऐसा एक स्ट्रक्चर है वो लोग हाई लेवल पे ऑलरेडी सेलिब्रिटी लोग है क्या, उनका जो एक अलग लेवल पर उनका मीडिया में कवरेज है, उनका एक ब्रांड अलग से वो बना दिया है। तो ये न्यू कमर लोग है, जो आने वाला जो न्यू कमर लोग है उनको प्रमोशन के लिए कोई नहीं है, तो हम लोग उनको प्रमोशन के लिए हम लोग अपने आप कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है ना। ऑलरेडी वो एक स्टैंडर्ड में पहुंच गया, अभी ब्रांड बन गया, अभी हमें उसका बहुत सारे उदाहरण हमारे पास है, हम लोगों ने कई लोगों ऑनर किया है, हमको पता है, तो चीज है कई लोग हमारे साथ कॉपरेट करके इन फ्यूचर में काम करने वाले, अभी वो भी कई ऑर्गेनाइजेशन था, अभी कई ऑर्गेनाइजेशन एनजीओस तो हमारे साथ कोलाबरेट होने वाले, कोलाबरेट होकर इन फ्यूचर में ये अलग अलग मकसद को लेकर काम करने का प्लान हो रही है, उसमें कई सेलिब्रिटीज है, कई लोग है, मतलब अभी मैं कई लोग अभी हमारा पाइपलाइन में चल रहे, तो उसको हम लोग आगे इम्प्लीमेंट करेंगे, वो हम लोग फ्यूचर का प्लान में है, ठीक है। ओके थैंक यू। मैं लास्ट 13 ईयर्स से यूएसए यहाँ आई थी कुछ काम को लेके, उसके बाद मुंबई ने मुझे यहाँ पे रहने का मौका दिया, काम करने का मौका दिया, बहुत कुछ सीखने को भी मिला यहाँ पे। अभी डॉक्टर अनिल जी के साथ मेरी पहचान हुई, एक साथ हम लोग जॉइंट वेंचर पे काम भी करने लग गए। हम एक्चुअली सब नए लोगों के साथ काम करने में प्रोत्साहन देने में इजी रखने के लिए ये प्लेटफॉर्म बनाया गया है, नीश डॉक्टर अनिल जी के लिए बहुत बड़ी बात है, और हम लोग चाहते हैं कि जितने भी नए लोग आ रहे हैं इस फील्ड पे उन सबको एक अच्छा सा प्लेटफॉर्म मिले, सब मिलकर काम करें और बहुत बढ़िया नाम कमाएँ। Hi, I am Mokshi, Mrs. Beautiful 2019, Mrs. India Fashion Icon 2019. And I would like to congratulate Mr. Nair for this shoot. I would like to say Nesh is a confidence, and it provides a platform for new models. That's why I'm saying. Yeah, it provides platform for new models and to fulfill their passion. मैं यही कहना चाहूँगी कि आज के शूट में बहुत प्यारी ड्रेसेस, बहुत प्यारे ज्वेलरी वगैरह सब यहाँ पे हैं, और स्पेशली न्यू मॉडल्स को जो इन्होंने एक प्लेटफॉर्म दिया है टू अचीव देयर पैशन इन लाइफ, तो मस्ट कॉन्ग्रेचुलेट फॉर दिस। अनिल जी आपका कहना चाहेंगे, दो खूबसूरत और उर्वशी देखो अभी एक्चुअली मैं वापस अभी ये बताना चाहता हूँ, इसमें ऐसा कुछ नहीं है, एक्चुअली दिस अ वेरी सिंपल थिंग, मेरे लिए ये सब वेरी सिंपल थिंग है, मैं ग्राउंड लेवल में मैं एक्टिविटी करता हूँ, आई एम वेरी कॉमन मैन, मेरे लिए ये सब चीज़ में कोई ये नहीं है। मैं ये बताता हूँ, अभी डॉक्टर मोहिनी साइकोलॉजिस्ट है, वो ये दिस फील्ड में काफ़ी टाइम से है ऑलरेडी, और उन्होंने अभी हमारे साथ अगर मिलकर हम लोग काम करना है का, अभी जो आने वाले फ्यूचर में सेमिनार्स के लिए हम लोग काम करें, और जो अभी जो फैशन इंडस्ट्री के लिए भी साथ में मिलकर काम करने के लिए उन्होंने हाथ बढ़ाया, तो हमने भी हाथ बढ़ाया, एक अच्छा अपॉर्चुनिटी हम लोग को मिल रहा है, इसके हिसाब से हमारा मैगजीन का प्रमोशन होगा, आने वाला जो जो न्यू कमर्स है, मैं बोला पिछले अभी जस्ट अभी मैंने बताया, जो जो मॉडल इंडस्ट्री को लेके, फैशन इंडस्ट्री को लेके जो भी जो प्रमोशंस है वो हम लोग करेंगे ये। और मोशिका भी एक्चुअली शी इज़ ऑलरेडी फेमस मॉडल है, उन्होंने एक्चुअली कई टाइटल इन्होंने जीता है इंटरनेशनल लेवल पर, नेशनल लेवल पर इन्होंने ऑलरेडी हाई इनका टाइटल्स है बहुत सारा, तो ये भी हमारे साथ अगर आके हमारे साथ अभी फोटोशूट के लिए पार्टिसिपेशन किया, हमारे लिए बहुत ये बहुत बड़ा, हम लोग इसका आभार करता हूँ, और ये बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी हमारे लिए भी, ये लोग सब हमारा साथ में दे रहे हैं, और हम लोग साथ में मिलकर आने वाले टाइम में काम करेंगे, ये हमारा फ्यूचर प्लान है। हम लोग की तरफ से जो भी सपोर्ट चाहिए, अगर जो भी मॉडल्स है, जो भी इंडस्ट्री का जो भी लोग है, हम लोग हमारा तरफ है, हम करेंगे, उसमें कोई ये नहीं है, इसमें हम लोग क्लियर पिक्चर है, ये हमारा शुरुआत है, हम लोग आने वाले टाइम में इसको आगे बढ़ाने के लिए प्लान करेंगे। इन फ्यूचर में हम लोग अभी देखो, अभी नेक्स्ट मंथ
अभी रिसेंटली पूना में अभी पिछले महीने को एक हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, ये दिस मैगजीन का एक अलग से एक एडिशन निकाला था उसका रिलेटेड। अभी हम लोग ने वापस पूना में दिसंबर को वापस एक फोटोशूट का प्लान कर रहा हूँ, दिस उसमें भी कई लोग आ रहे हैं तो हम लोग प्लान कर रहा हूँ। उसके बाद हम लोग ने वापस अभी जो मैगजीन का जो जनवरी को मैंने अभी एक खबर ऐसा है, जनवरी को हम लोग एक अभी ये शूट का एक मकसद ऐसा था, हम लोग ने एक एनिमल एडिशन कर रहे हैं, एनिमल एडिशन हमारा एक साल का पूरा जो एनिमल एडिशन हो रहा है जनवरी को रिलीज होने वाला है। इसमें 150 पेजेस है, ये 5000 कॉपीज है, तो ये एक एडिशन हम लोग इंडिया में लॉन्च कर रहे हैं। ये सेम जो हमारा जो मैगजीन में जितना भी जो आर्टिकल बन जाएंगे ये 150 पेजेस का है, तो ये 5000 कॉपी हम लोग अभी जनवरी को लॉन्च करने वाले हैं, तो उसका रिलेटेड हम लोग ने एक प्रोग्राम अभी वापस प्लान करने वाला है। ये कॉपीज ऑलरेडी इंटरनेशनल लेवल पर भी जाने वाला है, हमारा कई कंट्री के साथ हमारा कनेक्टिविटी है, तो कई कंट्री में हम लोग इसको डिलीवर करने वाले हैं। हमारा जो डिस्ट्रीब्यूटर है, बाकी लोग हमारा जो टीम में जो काम कर रहे हैं वो लोग को हम लोग भेजने वाले हैं। तो मोहिनी, आज के शूट के बारे में बात करना चाहेंगे आपसे कि कितना समय लगा मेकअप को तैयार होने के लिए, हेयर ड्रेसर के बारे में, ड्रेसेस के बारे में कुछ कॉन्सेप्ट बताया गया था जिसको आपने कैरी किया है, ड्रेस बखूबी कैरी किया है, ड्रेस के बारे में जी बिल्कुल बताना चाहूँगी। ये एक डिज़ाइनर का ड्रेस है और उन्होंने हमारा साथ दिया है ये ड्रेस कैरी करने में भी और पहनने में भी, जिसकी वजह से शायद मैं बहुत खूबसूरत लग रही हूँ। इसके पीछे के रीजंस डेफिनेटली हेयर और मेकअप है, क्योंकि उनके बिना हम लोग खूबसूरत नहीं लगते इस मॉडल इंडस्ट्री में। जो फैशन इंडस्ट्री होते हैं वो उनके बिना अधूरा है और कभी पूरा नहीं हो सकता, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ। और उसके बाद ड्रेसेस और मेकअप जो है हमेशा ही खूबसूरती के लिए ही बनाया जाता है। ये एक डिज़ाइनर नेकलेस है और इन्होंने पूरा ऑर्गेनाइज कराया है, प्रॉपर डिज़ाइनर ड्रेस, नेकलेस एंड इवन मेकअप बहुत अच्छे से। हाँ, यही कहना चाहूँगी कि बहुत एलिगेंट पीस है और बहुत अच्छी चॉइस है। अरे जो कुछ ऐड करना चाहेंगे? नहीं, अभी ऐसा कुछ अभी ऐड करने का भी नहीं है। मेरा बोलने का मकसद लास्ट यही है, देखो वी आर ऑलरेडी वन फैमिली, हमारा वो मकसद है, मैं ग्लोबल फैमिली के लिए काम कर रहा हूँ, तो हमारा जो मकसद है पीस एंड ह्यूमैनिटी के लिए काम करना, तो ये हम लोग ग्लोबल फैमिली के लिए काम कर रहे हैं, वी आर वन फैमिली, तो हम लोग सब मिल के, आप लोग सब मीडिया लोग हैं तो हम लोग सब भी फैमिली जैसा है, अभी ये जो फैशन इंडस्ट्री के लोग भी है तो सब लोग मिल के हम लोग आने वाले टाइम में हम लोग काम करेंगे, ये प्लान है। और मेरा जो एक अलग से एक नूक मैंने ये बताना चाहता हूँ, जो एनिमल एडिशन हो रहा है उसका रिलेटेड हम लोगों ने फोटोशूट रखा है, ये जो एनिमल एडिशन हमारा जनवरी को रिलीज होने वाला है, इसमें 150 पेजेस है, 5000 कॉपीज है, तो हम लोग इसको फ्लैश करने वाले हैं और ये रिलेटेड हम लोग को अभी मेन जो इसके लिए प्लान किया है। और उसके बाद हम लोग एक कैलेंडर शूट का भी प्लान है अभी जनवरी को, वो भी हम लोग थोड़ा अलग लेवल पे करना था, जो क्रूज होगा, जो शिप होगा, शिप में कुछ हमारा जो जो ब्रांड मॉडल्स है उसको लेके हम लोग को करने का फ्यूचर प्लान है, तो ये आने वाला जो 2020 का जो कैलेंडर हम लोग प्लान करना चाहता हूँ, इसमें भी हम लोग एक ऐसा स्ट्रक्चर को प्लान कर रहा हूँ, इसमें भी आप लोगों सबको आमंत्रित करेंगे, आप लोग सब आइए साथ में मिलकर काम करेंगे, और आप लोगों का सबका भी जो भी सपोर्ट फ्यूचर के लिए हम लोग को जरूरत है, और आप लोग भी आपका जो भी फोटोज आर्टिकल्स जो भी मैगजीन के लिए आप चाहता है तो आप हम लोग को मेल कर सकते हैं, आपका जो भी हम लोग उसमें इम्प्लीमेंट करेंगे, उसमें कोई इशू नहीं। ठीक है, सब ने मुझे कॉल किया था कि एक मैगजीन शूट करना है, तो मैंने कहा ठीक है, तो सब ने मुझे एक प्लेटफॉर्म पे लाया और मेकअप के लिए। हाय, आई एम राजेश गोपीनाथ, आई एम ए कमर्शियल फोटोग्राफर, सो थैंक यू अनिल सर फॉर इन्वाइटिंग मी एज ए फोटोग्राफर फॉर दिस इवेंट, एंड अगेन इट्स अ ग्रेट मोमेंट फॉर मी इन माई करियर टू शूट फॉर दिस मैगजीन, एलिट मैगजीन, द निश फैशन मैगजीन, द नाइस वी, या इट्स एक्चुअली अमेजिंग, एंड अगेन गुड मॉडल्स आर कमिंग अक्रॉस, एंड अगेन द शूट इज गोइंग फैंटास्टिक, एंड अगेन वी आर जस्ट डूइंग अ गुड जॉब, एंड आई हैव कपल ऑफ अदर गाइज ऑल्सो इज एक्चुअली हेल्पिंग मी आउट, सो इट्स एन अमेजिंग एक्सपीरियंस टू बी अराउंड ऑन दिस। I am already inviting the already this opportunity for the Rajesh bhai, already he is a professional photographer this industry mein, so fashion industry mein he is already professional photographer, I know very well, so inka jo photography ka jo style hai I know very well, though inka jo alag alag isko leke position ko leke inhone jo photography kar raha hai iska bare mein main janta hu, to very classical aur very ethical, matlab usko jo attract hota hai, bahut alag level pe inka photography hota hai, he is already famous photographer in
अलग जगह पे इनका दुबई वाई में फोटोज होता है, तो ही इज ऑलरेडी इन्वॉल्व विथ द और दिस फोटोशूट दिस टाइम और ही इज इन ऑलरेडी बॉलीवुड मेकअप आर्टिस्ट मतलब मगेश जी, तो ही इज इन ऑलरेडी हमने इन्वेट किया, तो वो भी हमारे लिए ये टाइम आया और आप लोग हमारे लिए पार्टिसिपेशन किया, हमारे लिए बहुत धन्यवाद, मैं हृदय से मेरा मैं आभार करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ इसमें दोनों को, और सुभाष जी भी हमारा साथ ऑलरेडी ज्वेलरी को रिलेटेड जो भी हम लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं उसको भी मैं ये करता हूँ, तो ये सब फिर आप लोगों सबको, आप लोग आया तो आप लोगों सबको हमारा तरफ है मैगजीन की तरफ है कई चीज़ों को लेके अभी हम हृदय से हमारा आभार व्यक्त करता हूँ और आगे भी मिलकर हम लोग काम करेंगे, ये हमारा काम है, ठीक है।